भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, भाजपा का गृह मंत्री एक ऐसे अपराधी को बचाने के लिए खड़ा है जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये आज एक मुकदमा नहीं है, 100 से ज्यादा मुकदमे ब्रजभूषण शरण के ऊपर लिखे हुए हैं। गोंडा का गुंडा उसको कहा जाता है कि समय रहते ब्रजभूषण शरण को जल्द से जल्द सलाबों के पीछे डालने का काम करें, अन्यथा 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, आपको पुनः वही चौकीदार बनाने का काम ये देश की जनता करेगी। अगर यही गुंडा का गुंडा किसी और जाति या वर्ग का होता तो शायद उसका मकान अब तक तरासाही हुआ चुका, कब का हो चुका होता, उसके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता, उसको भी कहीं ना कहीं इसी मिट्टी में दफन कर दिया गया होता। आज इस दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की बेटियां अपने न्याय मांगने के लिए आंसू बहा रही हैं। देश का दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य है कि न्याय मांगना पड़ रहा है। वो भी कैसा न्याय? जुल्म और जास्ती वाला न्याय। देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, भाजपा का गृह मंत्री एक ऐसे अपराधी को बचाने के लिए खड़ा है जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये आज एक मुकदमा नहीं है, 100 से ज्यादा मुकदमे ब्रजभूषण शरण के ऊपर लिखे हुए हैं। गोंडा का गुंडा उसको कहा जाता है। ये आंदोलन अब पहलवानों का नहीं रहा, ये आंदोलन यहां से कसम खानी है सभी लोगों को, ब्रजभूषण शरण जैसे व्यक्ति अगर दोबारा किसी भी बहन बेटी के साथ में किसी भी तरीके की जुल्म या जास्ती करते हुए पाए जाते हैं और उनका स्पॉट सजा देने का काम ये हम सब लोगों को करना होगा। हम कब तक यहाँ सड़कों पर बैठकर अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय मांगेंगे? वो भी ऐसा उन बेटियों के लिए जिन्होंने इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर परचम उसमें पहरा लहराने का काम किया है। यही देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री इन बेटियों के साथ मिलकर के सेल्फी लेने का काम करता है और बोलता है आप लोगों से कि मेरा पुराना नाता है। आज कहां है वो प्रधानमंत्री, आज कहां है वो गृह मंत्री? क्यों नहीं बोलता कि मेरा आपके साथ दुखों का भी नाता है? 28 दिन से ज्यादा हो गए यही ऐसे ही आंदोलन। आज हमारे यहाँ काफी बीच में हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं, देश के बहुत सारे जगहों पर दिल्ली की जिस आंदोलन में एक साल से ज्यादा का समय लगा था न्याय पाने के लिए, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा था। सब लोगों को याद होगा, सरकार झुकी और झुकाने वाले कोई और नहीं, देश की जनता थी। आज इन बहन बेटियों के सम्मान के लिए भी सरकार को झुकना होगा और झुकाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना होगा। मैं भीमराव भारतीय भीम सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते अपने पूरे संगठन का समर्थन देने के लिए आज इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ और आश्वस्त करता हूँ बहन बेटियों को कि आपकी एक एक लड़ाई, आपके एक एक आंसू का बदला लेने के लिए हम लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, मैं इन सुरक्षा कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ, जितने भी ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं जिन्होंने ये तारूफ एक तरीके से बना दिया है कि आप लोगों को यहाँ बंदर बना करके छोड़ दिया गया है, आप भी इसी समाज का अंग है, आप भी किसी न किसी बहन बेटी के पिता है, आप भी किसी न किसी बहन बेटी के भाई है, ये भी बहन बेटी उसी समाज का अंग है। अगर इसी तरीके की रेसलिंग के लिए, पहलवानी के लिए अपना नाम आगे लेकर जाता है और उसी के साथ भी इस तरीके की पीड़ा अगर दिखाई देती है तो शायद आपको भी पूरी नाराजगी का हक करने का अधिकार होगा। आप लोगों को सोचना चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों ने बैरिकेडिंग करके इस आंदोलन को बहुत छोटे लबीर पर कर दिया है, ये सारी चीजें हटा करके पूरा रास्ता इनको देने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये जगह प्रोटेस्ट करने का स्थान है, ये जगह धरना प्रदर्शन करने का स्थान है, ये जगह हमें अपनी मांग सरकार से मनवाने का जगह है। मैं पुनः दोबारा से फिर कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के प्रधानमंत्री को, कि समय रहते ब्रजभूषण शरण को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का काम करें, अन्यथा 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, आपको पुनः वही चौकीदार बनाने का काम ये देश की जनता करेगी, काम किया जाएगा जिसकी समय रहते ब्रजभूषण शरण को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का काम करें, अन्यथा 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
आपने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, आपको पुनः वही चौकीदार बनाने का काम ये देश की जनता करेगी। तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करता है, अरे इस गोंडा के माफिया को कौन मिट्टी में मिलाएगा, तुम ही मिलाओगे, लेकिन तुम तो उसके यहाँ जाकर अच्छी हुजूरी करते हो क्योंकि वो तुम्हारे समाज से आता है। अगर यही गुंडा का गुंडा किसी और जाति या वर्ग का होता तो शायद उसका मकान अब तक तरासा ही हुआ चुका, कब का हो चुका होता, उसके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता, उसको भी कहीं ना कहीं इसी मिट्टी में दफन कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ भेदभाव की राजनीति चल रही है, ये भेदभाव की राजनीति बहुत ज्यादा समय चलने वाली नहीं है, 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है साथियों, प्रणियों आज इसी जगह से कि 2024 बाहर निकालने का काम ये देश की जनता करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने पुनः भीमसेना के द्वारा दिया गया समर्थन इन बहन बेटियों के लिए दोबारा देने की घोषणा करता हूं, और मैं कल अपनी पूरी महिला टीम के साथ मैं यहां पहुंचूंगा और महिला टीम के द्वारा हम लोग बहन बेटियों का जो दुख है, जो दर्द है, उसको समझेंगे और उसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जगह जगह हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें मुख्यालय घेरना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें हर तरीके का कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, इन बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए भीमसेना सड़कों पर उतरेगी। जय भीम, जय भारत। रिटायर्ड हूँ आर्मी से, जयपुर से आया हूँ, हमारी टीम। दुर्भाग्य है कि वो औरतें उन मर्दों का साथ दे रही हैं, वो औरतें उन सांसदों का साथ दे रही हैं, वो औरतें उन मंत्रियों का साथ दे रही हैं, और सिर्फ धन बटोरने के लिए अपने लोगों को सत्ता में भेज के और अपने साथ पीटियों का इंतजाम कर रहे हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर आप किसी बेटी की तरफ नजर उठाते हो तो निश्चित रूप से आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी किसी पीढ़ी में निश्चित रूप से किसी औरत के साथ वही सब हो रहा होता है, अगर आपने किसी की तरफ आंख उठाई है तो। आप उसके सीसीटीवी जो उसके दफ्तर है उसके निकलवा लो, उसके रसोईये के, ड्राइवर के, कुक के जो है वो निकलवा लो, नार को टेस्ट करवा लो। लेकिन ये जो है बिल्कुल बेशर्मी के साथ ही चुप बैठे हैं, तो ये बिल्कुल जो सरकार है, जो पुलिस है, अपराधियों को बचा रही है, और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर देश की बेटियां, भारत की बेटियां अगर हर फील्ड में आगे हैं, वो शिक्षा में टॉप कर रही हैं, वो जुडिशरी में कर रही हैं, वो देश की राष्ट्रपति बनी हुई है हर फील्ड में, वो अकाल अस्पताल और जमीन के ऊपर वो किसी से कम नहीं है, और सुरक्षा के मामले में हम किसी से कम नहीं रहेंगे, और ना इन दोनों को